सर, मैं धर्मेंद्र कुमार पिछले 5 वर्षों से डॉक्टर के एल पटेल के साथ भर्ती परीक्षाओं का कार्य कर रहा हूँ। तत्पश्चात 2 साल बाद उनका साथ छोड़ करके हम लोग अपना 8-10 लोगों का गैंग अलग से बनाए हैं। ये भर्ती परीक्षाओं का काम ऐसे कर रहे हैं कि हर कैंडिडेट से 12 से 15 लाख का डिमांड है, और ये हम लोग जो है पेपर से कॉलेज से पेपर निकालते हैं, उसके बाद सॉल्व करा के कॉलेज के ही मैनेजमेंट द्वारा पर्ची पहुंचा के उनको रंगीत कराते हैं या डिवाइस से काम कराते हैं। मैं आशीष सिंह शंकरगढ़, मैं 2014 से प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल कराने का काम कर रहा हूं। इस बार भी टीजी टीम में हमें केएल पटेल फूलपुर और अमित वर्मा फतेहपुर से पूछी मिलनी थी, लेकिन उसके पहले मुझे आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया और मैं नकल कराने में असक्षम रहा। आज जनपद प्रयागराज में एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट को प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी परीक्षा 2021 में धांधली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, और इसके 7 सदस्यों की गिरफ्तारी भी हुई है। इनके पास से भारी मात्रा में परीक्षा में धांधली करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, ब्लूटूथ, 25 अदद सिल्वर वो बैटरी, 2 अदद लैपटॉप, 12 अदद मोबाइल फोन, 59 अदद अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र की छाया प्रति, भिन्न भिन्न पालियों में बैठने वाले छात्रों की, 22 अदद परीक्षाओं के शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र भी ये लोग रख लेते हैं। भारी मात्रा में भिन्न भिन्न बैंकों के ब्लैंक्स चेक आदि बरामद हुए हैं उनसे। ये लोग करते क्या हैं कि जो मूल अभ्यर्थी हैं उनसे परीक्षा पास कराने के एवज में 12 से 15 लाख रुपए में तय कर लेते हैं। उसके एवज में या तो सॉल्वर बैठाते हैं, सॉल्वर किसी कारणवश नहीं बैठ पाया तो पेपर आउट कराने की बात करते हैं, पेपर आउट करा के उसको नकल कराते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से। अगर इसमें भी सफल नहीं हो पाए तो कक्ष निरीक्षक और केंद्र को किसी तरह से ओबलाइज करके उसको अपने उसमें लेकर उन्हें नकल कराते हैं। मैंने हर तरह का हथकंडा अपनाते हैं और एक परीक्षार्थी को पास कराने में 12 से 15 लाख रुपया ही लेते हैं। थैंक यू।